आईपीएल के पॉइंट्स टेबल पर इन तीन टीमों ने कर दिया है आरसीबी को परेशान। पिछले मैच में चेन्नई की हार और पंजाब की जीत का सीधा असर टेबल पर आरसीबी को पड़ा है, क्योंकि इस मैच के बाद आरसीबी के खिलाफ, आरसीबी के प्लेऑफ के सपने के खिलाफ तीन टीमें खड़ी हो गई हैं। कौन सी तीन टीमें हैं, क्यों खड़ी हुई है, क्या रीजंस है, सब बताएंगे, टेबल का गणित बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक शेयर करके आईपीएल की तमाम खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट, स्टोरी सबसे पहले देते हैं। लाइक और शेयर तो आप कर ही देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब के बटन को हिट कर देना, बेल आइकन दबा देना। तो भैया पहली टीम, और मैं टेबल हाथ में ही लेकर चल रहा हूँ क्योंकि सारी चीज खुलेआम बताऊंगा। पहली टीम जो कि अब बहुत बड़ी चुनौती यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के लिए बनती हुई नजर आ रही है, और पिछला मैच साबित कर दिया इस टीम ने, वो है पंजाब किंग्स की टीम। दोस्तों इस समय आप देखेंगे, पॉइंट टेबल देखेंगे तो आरसीबी जो है वो नंबर 5 पर चल रही है, तो वही पंजाब किंग्स नंबर 6 पर चल रही है। हमें कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था, पिछले एक हफ्तों से ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स का अब प्रदर्शन कमजोर होने लगा है, नाउ अब फिर से चढ़ाव है, अब फिर से वापसी दिख रही है पंजाब किंग्स के। 8 मैचेस खेले, पंजाब ने 4 जीते, -0.41 का नेट रन रेट है और 8 अंक है। तो सबसे बड़ी चीज कि पंजाब अब मैच करने लगी है आरसीबी को। पंजाब किंग्स का जो नेट रन रेट है दोस्तों, वो लगभग सेम है आरसीबी के, और इवन हम कहें तो पॉइंट्स में बेहतर ही है। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों कि पंजाब किंग्स के पॉइंट 8 है, आरसीबी के पॉइंट 10 है, मतलब एक मैच का अंतर है। पंजाब अगला एक मैच जीती, आरसीबी अपना अगला एक मैच हारी, पंजाब ओवरकम कर जाएगी, पंजाब आरसीबी को नीचे कर देगी। तो यहां से पंजाब किंग्स एक बड़ी चुनौती बन गई है। और फिर बोल रहा हूं कि भैया पिछला हफ्ता देखने के बाद ऐसी उम्मीद नहीं थी, बट अब हम ये बोल सकते हैं कि आगे एक भी हार, एक भी गलती हमें नीची टीमों को बहुत ज्यादा सपोर्ट दे देंगी, एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यहां से नंबर 6 और नंबर 7 पर गिर सकती है। तो पहली टीम जो चुनौती बनी है, पहली टीम जो कि प्लेऑफ में परेशान करेंगी यहां से, वो पंजाब है। लेकिन दो टीमें और हैं, दूसरी टीम कौन सी है वो बताऊंगा, बट उससे पहले भैया नीचे आज के मैच के लिए, आज रजवाड़ों का मैच है बेंगलोर के साथ या आरसीबी के साथ, तो अपनी टीम बना लो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक डाली, MCB2020 कोड डाल देना, बहुत फायदे मिल जाएंगे। पहला कॉन्टेस्ट फ्री मिल जाएगा, 1500 रुपए फ्री में मिल जाएंगे, प्लस इसको कप्तान बना दोगे तो मजा आ जाएगा। फिर बोल रहा हूँ देर मत करना, माला माल होने का मौका है, हेड टू हेड खेलना है, वीवीएस लक्ष्मण को हराएंगे, 5 गुना कैश कमाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली दी है, माई क्रिकेट प्रोडक्शन MCB2020 कोड आप डालेंगे तो फायदा आपको होने ही वाला है, ये मैं बता ही चुका हूँ। तो देर बिल्कुल मत करना भाई, फिर बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। आज के मैच में तो टीम आपको बनानी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी टीम जो कि यहां से टेबल पर, पॉइंट टेबल पर बड़ी चुनौती हमें बनती हुई दिख रही है पंजाब, माफ कीजिए, आरसीबी की टीम के लिए। पंजाब के बाद वो टीम है दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार SRS तो टॉप 2 में पहुंच गई है, यार SRS के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के 10 पॉइंट्स हैं, और SRS के अलावा पूरे टेबल पर आप देखेंगे 4 टीमें ऐसी हैं जिनके 10 पॉइंट्स हैं, और ये जो 10 पॉइंट्स वाली जितनी भी टीम है उसमें एक आरसीबी है। तो सीधी बात यह है दोस्तों, सीधा गणित यह है कि जिन जिन टीमों के इस समय पॉइंट्स टेबल पर 10 अंक है, उनमें सबसे बेहतर नेट रन रेट सनराइजर्स हैदराबाद का है और सबसे बुरा नेट रन रेट आरसीबी की टीम का है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि पॉइंट्स तो भाई SRS के भी 10 हैं, पॉइंट्स तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के भी 10 हैं, लेकिन क्योंकि SRS का नेट रन रेट +0.6 का बहुत तगड़ा नेट रन रेट होता है 10 टीम टूर्नामेंट्स में, SRS एक एज पकड़कर चल रही है यहां से। SRS ना सिर्फ आरसीबी के लिए चुनौती है यहां पर, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, लखनऊ और राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए भी चुनौती है। तो सीधी बात है, टेबल आप देख ही रहे होंगे, 4-5 टीमों के 10 पॉइंट्स होने के कारण आरसीबी को नेट रन रेट का घाटा पड़ रहा है। और फिर वही बात है ना कि जब आपने जो पिछला मैच हारी थी ना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, चीज हमने देखा था SRS क्लब बहुत बड़े अंतर से, उसका यह सीधा घाटा है कि आपका नेट रन रेट -0.4 का, इतना खराब नेट रन रेट हो गया है आरसीबी का। एंड आई थिंक यहां से बहुत मेहनत अब आरसीबी को करनी पड़ेगी, जब आप इतना बुरा हारते हैं ना तो पूरे टूर्नामेंट आप परेशान हो सकते हैं। तो दूसरी टीम जो परेशान कर रही है, पिछले मैच में भी परेशान कर दिया और अब टेबल पर भी करने लग गई है, वो SRS की टीम है। अब तीसरी टीम कौन सी भैया, तीसरी टीम जो कि बहुत ज्यादा परेशान आरसीबी को करेगी, मतलब ऊपर की दो टीमें तो इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, पर जो डायरेक्टली सीधी टक्कर आरसीबी की इस समय है ना, वो है लखनऊ की टीम के साथ। दोस्तों जब आप आरसीबी और लखनऊ दोनों टीमों को देखते हैं ना, आपको ऐसा लगता है ये दोनों टीमें एक दूसरे की परछाइयों की तरह ही क्रिकेट खेल रही है। जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी 8 मैच खेले, आरसीबी ने 8 से मैच खेले, लखनऊ आरसीबी दोनों ने 5-5 मैच जीते हैं,
10-10 अंक दोनों ही टीम के हैं। लेकिन दोस्तों जब फाइट बढ़ेगी यहां पर आने वाले समय में, जब कहा जाएगा कि भैया दो टीमें कौन है, मतलब कहा जाएगा कि भैया एक ही स्पॉट खाली पड़ा है प्लेऑफ का, और दो तीन टीमें अगर लड़ाई लड़ रही होंगी ना, तो जो लास्ट में दो टीमें आखिरी लड़ाई लड़ेंगी वो लखनऊ और आरसीबी की ही होगी। एंड वो सीधा सीधा पॉइंट्स टेबल में दिखता भी है कि दोनों एक दूसरे को ऊपर नीचे लगातार कर रहे हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं, यहां से हम सीधे तौर पर बोल सकते हैं कि आरसीबी की यहां से जो सीधी टक्कर प्लेऑफ में जाने की होगी अगर सब कुछ सही बैठता है, तो फिर भी लखनऊ वाले जरूर एक ना एक पंच लेकर बैठे होंगे, जो कि टेबल पर भी साफ साफ रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो भैया ये तीन टीमें थी जो कि परेशान कर रही है, हालांकि उसके अलावा भी बहुत सारी टीमें खेल रही है, लेकिन गुजरात टाइटंस निकल गए हैं भैया, इनको पकड़ पाना मुश्किल है। राजस्थान रॉयल्स एक अलग लीग का क्रिकेट खेल रही है। उसके अलावा दोस्तों दिल्ली की बात करें, केकेआर की बात करें, तो पॉइंट्स कम है, लेकिन उसके अलावा दोस्तों बाकी टीमें जो मैंने बताई, मेरे हिसाब से यही तीन टीमें थी। हमारे 11 पर आज का मैच जरूर खेल लेना, रजवाड़ों के खिलाफ टीम बनानी, मजा आ जाएगा। रजवाड़ों और बैंगलोर वाले मैच में एमसीपी 2022 कोड का इस्तेमाल करना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, देर मत करो यार, मजा आ जाएगा। पहला कॉन्टेस्ट फ्री, 1500 रुपए फ्री है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।